गाइस आपका अपनी यूट्यूब चैनल अंजलीस क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गाइस आज मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट चांदनी प्लांट। गाइस आप देख सकते हैं चांदनी का पौधा कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसके फ्लावर्स भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस प्लांट में दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, ये सिंगल पेटल है और एक डबल पेटल भी आते हैं। डबल पेटल और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेरे पास ये सिंगल पेटल ही है अभी और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है मेरा प्लांट। और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसमें बर्ड आनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो ये मैं आपको फ्लावर दिखा रही हूँ ना, ये इस प्लांट के फर्स्ट टू फ्लावर्स हैं, तो इसलिए मैंने इस प्लांट की वीडियो बनाई। और गाइस इस प्लांट को लाए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 मंथ्स ही हुए हैं टोटल, तो फिर भी मेरा प्लांट ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए मेरा प्लांट इतना था ये और अब इतना बड़ा हो गया और अब ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी केयर की, तो इस प्लांट को सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ पर इसको डायरेक्ट सनलाइट मिले, 6 to 8 hours की डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को मिलनी चाहिए। प्लस वाटरिंग, इस प्लांट को वाटर भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं तो कम से कम 2 times वाटर दीजिए, और ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहते हैं तो 2-3 दिन छोड़ के पानी दीजिए। और जैसे अगर आप दिल्ली हरियाणा के एरिया में रहते हैं तो आप इसको डेली वाटर करते रहिए। जैसे कि आप सॉइल देख सकते हैं इसकी, कितनी ज़्यादा मॉइस्ट सॉइल है इस प्लांट की। इस प्लांट को सहारा देने के लिए मैंने ये पाइप लगाई हुई है। अगर आपका प्लांट वैसे ही ठीक है तो आप चलने दें, ये मत सोचिए कि इस प्लांट को सहारे की ज़रूरत है। ये मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि ये प्लांट अब टेढ़ा हो गया था पूरा, इसलिए मैंने इसको सपोर्ट देने के लिए स्टिक लगाई है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की, तो गाइस इस प्लांट का सॉइल मिक्सचर है 50% गार्डन सॉइल प्लस 30% सैंड प्लस 20% कंपोस्ट। ये इसका सॉइल मिक्सचर, इस प्लांट को कोई भी एक्स्ट्रा सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र आप इसको देते रहिए, जैसे 15 days, 1 week, 1 month ऐसे आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र के नेम और जान लीजिए तो इस आप इसमें दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, नीम की खली, सरसों की खली, ये पाउडर वाले फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट। कोकोपीट की आपको एक ब्रिक मिलती है, तो आप उस ब्रिक को पानी में डिसॉल्व करके फिर इस प्लांट को दे सकते हैं फर्टिलाइज़र। और जितने भी मैंने प्लांट की वीडियो बनाई है आप उन प्लांट में भी डाल सकते हैं, बस जो इंडोर प्लांट हैं उनमें थोड़े कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, इसलिए आप उनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें। अब बात कर लेते हैं इसके फ्लावर की एवरेज कितनी होती है, तो गाइस इसके फ्लावर कम से कम 3 days तक सर्वाइव कर जाते हैं। 2 दिन तक इसके फ्लावर्स खिले रहते हैं, 3rd day अपने आप ही गिर जाते हैं, तो 2 days आप लगा कर चल सकते हैं मैक्सिमम इसके फ्लावर्स की एवरेज। और इसके फ्लावर्स में बहुत ही अच्छी खूबसूरती होती है, आप देख ही सकते हैं साइड में वाइट है और बीच में देखिए येल्लो कलर है, देख पा रहे होंगे आप। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है गाइस, आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए अगर आपके पास नहीं है। और अगर आपके पास है इसकी केयर के बारे में नहीं पता है तो आप इस वीडियो के द्वारा इस प्लांट की केयर, फर्टिलाइज़र, वाटरिंग, एवरीथिंग आप जान सकते हैं। प्लांट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और गाइस इसके पॉट साइज़ की बात, तो गाइस आप देख सकते हैं इसका 12 inch का पॉट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉट है। 12 inch का पॉट मैंने इसलिए लिया है ताकि प्लांट आराम से फैल जाए और इसकी रूट्स अच्छे से फैल जाए। और 12 inch का पॉट कम से कम लीजिए, 12 inch का नहीं ले पा रहे हैं तो 10 inch का तो ज़रूर लीजिए, 10 से बड़ा आप कितना भी पॉट ले सकते हैं, प्लांट आराम से फैल जाएगा। और ये प्लांट 12 inch के पॉट में बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, मैंने आपको बताया मैं छोटा प्लांट लाई थी इसलिए अभी ज़्यादा नहीं फैला है, थोड़े दिनों बाद बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा, आप देख सकते हैं।
तो गाइज आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे थम्स अप दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।